घानी किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको दूसरी स्टोरेज ग्रेवी सिखाने वाली हूँ। एक कल सिखाई थी, इसे स्टोरेज ग्रेवी को आप बनाकर रख सकते हैं। इसके अंदर आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मैं इसके अंदर आज आपको राइस बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ग्रेवी बनाना सिखा रही हूँ धनिया के डंठल की। ये मैंने धनिया के डंठल लिए हैं, इनको अच्छे से साफ करके धो लिया है। कुछ धनिया के पत्ते भी लिए हैं मैंने, करीब 1/4 कचौरी धनिया के पत्ते हैं और धनिया के डंठल हैं और 3-4 हरी मिर्च हैं और ये कड़ी पत्ते, 1 चम्मच चिली गार्लिक पेस्ट, 1 तेज पत्ता, 2 से 3 लौंग, 1/2 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच ऑयल। ऑयल और नींबू का रस जो है इस ग्रेवी को स्टोरेज करता है। इस ग्रेवी को आप फ्रीजर के अंदर 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। धनिया के डंठल हैं, धनिया है, नमक है, जीरा है, तेजपत्ता, लौंग, चिली गार्लिक पेस्ट है मेरे पास और हरी मिर्च भी ली है मैंने और नींबू का रस और ऑयल। इन सबको डाल के पीस लेना है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डालेंगे। अभी मैं 1/4 कचौरी पानी डाल रही हूँ, इससे धनिया अच्छे से पिस जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भी ऐड करूँगी। ये देखिए आपकी ग्रेवी रेडी हो गई है। इसको थोड़ा सा पीसने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रेवी है ये। इस ग्रेवी को आप 1 मंथ तक फ्रीजर में आइसक्रीम में जमा कई में जमा कर रख सकते हैं या फिर एयरटाइट कंटेनर में नीचे फ्रिज के अंदर 8 से 10 दिन स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप राइस, पोटैटो, बेबी कॉर्न, स्टार्टर कुछ भी बना सकते हैं। आज मैं आपको इससे राइस बनाना सिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मेरे राइस बनाना जरूर आप सीखिए। अगर आपको मेरी ये ग्रेवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स एवरीवन।